नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। अब बागपत रोड पर मलियाना फ्लाईओवर के नजदीक इस बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मलियाना फ्लाईओवर के नजदीक एक कार सवार व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। व्यापारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। तो उनके कलेक्शन एजेंट के रूप में जो है यहाँ पे आकर के प्रमोद जी की प्रतिष्ठान से वो पैसा लेकर के 4 लाख रुपया कैश और 2 लाख रुपये का चेक बता रहे लेकर चले थे। उनका कहना है कि जब वो पुल के ऊपर आए मलियाना पुल पे तो उनको पीछे से टक्कर सी लगी थी स्कूटी में, और उसके बाद उनका कहना है कि वो अचेत हो गए। जब उनको थोड़ी देर के बाद अपने सेंसेस में आए तो उन्होंने देखा कि 4 लाख रुपया उनके जो बैग में रखा था, गाड़ी में रखा था, डिक्की में सीट के नीचे, वो पैसा वहाँ पर नहीं था। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है मेरे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मौका विजिट किया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके हम जल्दी जल्दी जो है माल और कुछ बदमाश बता रहा है। देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम इस घटना को पंजीकृत करके और फिर उसके बाद में माल और मुलजिम के बारे में जानकारी करें। इसको संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन यह है कि जैसे जैसे साक्ष्य आएगा उसके क्रम में कार्रवाई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।